इतने सारे युवा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, उत्तर प्रदेश के गांव में बिजली नहीं आती, आती भी है तो 8-10 घंटे के लिए, मगर उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री को इसकी फिक्र नहीं है। और फिर बीजेपी के कैंपेन के लिए अमित शाह आते हैं उत्तर प्रदेश को, और आकर उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, उनका एक वीडियो हमको किसी ने भिजाया कि अमित शाह ने अपनी तकरीर में कह दिया कि 12वीं पास करके जो भी इंटर में जाएगा, ये देश के होम मिनिस्टर हैं, 12वीं पास करके जो इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप और फोन देंगे। वाह शाह साहब, क्या दिमाग पाया आपने, वाह। यानी जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा, अरे आपको तो 12वीं और इंटर में फर्क ही नहीं मालूम, और आप देश के होम मिनिस्टर बन गए, वाह। मोदी जी की तारीफ करना कि ऐसे शख्स को होम मिनिस्टर बनाया उन्होंने, वाह। अरे हम तो सुनते थे कि अनमोल रतन अकबर बादशाह के पास थे, मोदी जी के पास तो थी, अनमोल रतन इतने जमा हो गए। एक कहता है कि मई जून में बर्फ ला लेंगे, दूसरे कहता है कि जो 12वीं के बाद इंटर में जाएंगे। अब आप सोचिए देश कहाँ जाएगा, उत्तर प्रदेश कहाँ जाएगा। और फिर वहीं पर आप दूसरा देख लो, अखिलेश का भी वीडियो है, जिसको कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं हमको और दो, जो माँ और बहनों की इज्जत नहीं करते हमको और दो। अखिलेश यादव ने सही कहा, सुल्तानपुर की जनता जानती है कि अखिलेश ने क्या कहा एक वीडियो में, जो माँ और बहनों की इज्जत नहीं करते हमको और दो। यहाँ पर समाजवादी के जो प्रत्याशी है उनका तो किरदार क्या है, वो उनका नाम है अनूप सांडा, इनका नाम होना चाहिए अनूप रंगरीला, बड़ा रंगरीला है भाई तू। अब नाम नहीं बोलना चाहूंगा, वरना मोदी जी देखो हम वही तो कह रहे थे, मोदी जी क्या कहे थे, नरेंद्र मोदी, मैं ट्रिपल तलाक का कानून लाया। अब ये अनूप रंगरीला पर ट्रिपल तलाक का कानून तो लागू ही नहीं होता, नहीं होता ना। अब यही तो हम बताना चाह रहे कि ऐसे प्रत्याशी को आप कैसे वोट देंगे जो अपने ही घर में वफा नहीं कर सका, वो सुल्तानपुर की जनता से क्या वफा करेगा, वो तो बेवफा है। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मिर्जा अकरम बेग साहब को अपने वोट देकर कामयाब करिए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। जो समाजवादी बसपा के लोग कहते हैं कि ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी जीतती है, वो डर कर कहती है, वो ये देख चुके हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा कमजोरों को मजलूमों को नेता बना रहे हैं और आपको उनके कैद से आजाद करा रहे हैं। चुनाव तक ये बड़ी बात करेंगे मुसलमान मुसलमान और अति पिछड़ा, उसके बाद किसी को पूछते नहीं, तो आपकी